आज हम एक आपके साथ स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। डिलीशियस तो है ही, बट बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी है। सबको पसंद आएगी। आप इसको बच्चों के टिफिन, लंच, स्नैक्स किसी के साथ भी आप इसको दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं सिंपल और इजी पनीर काठी रोल। पनीर काठी रोल बनाने के लिए फ्रेश पनीर लिया है, वजन में ये करीब 200 ग्राम है। इसके हम छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे। इतने पनीर में करीब करीब 4 से 5 काठी रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। पनीर के क्यूब्स काट कर हमने तैयार कर लिए, इतने ही छोटे टुकड़े रखने हैं। अब इसका हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं इसमें, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, प्लेन सॉल्ट, भुना पिसा जीरा पाउडर 1 चम्मच, काला नमक स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, इसको हमने क्रश कर लिया है। यहाँ पर ही हमने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। 1/2 नींबू का रस लेंगे इसमें। एक छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। सब चीज़ों को पनीर के टुकड़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट ढक कर के रख देते हैं। आटा लगाने के लिए हमने 1 बड़ा कप गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप मैदा लिया है। ये सॉल्ट ऐड करते हैं इसमें, अच्छी तरह मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंदेंगे। डो को हम पहले थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट ही रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा और लूज होगा। अच्छी तरह गूंद के आटे को तैयार कर लेते हैं। आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल आटे के ऊपर लगा देंगे, एक बार अच्छी तरह और नीट कर लेंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट रख देंगे। 1 बड़े प्याज का स्लाइस कर लिया है और 1 शिमला मिर्च को भी स्लाइस में काट लिया है। 1 पैन में 1 छोटा चम्मच ऑयल गरम करते हैं। प्याज और शिमला मिर्च को इसमें डाल के अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, केवल 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। अब जो हमने पनीर के पीसेस मैरिनेट किए थे वो पनीर के पीसेस इसमें ऐड करेंगे। पनीर को बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज और शिमला मिर्च को ओवर कुक नहीं किया है, क्योंकि काठी रोल में क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पनीर कुक हो गया है, इसको स्पैटुला की मदद से हल्का हल्का दबा के प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये क्रश हो जाए। 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। काटे रोल में लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी सैलड बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 प्याज को स्लाइस में काट लिया है, उसमें सॉल्ट, लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना पिसा जीरा और 1/2 नींबू का रस मिला लेंगे। अच्छी तरह हाथ से इसको मसल लेंगे प्याज को, जिससे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये सैलेड बनकर हमारा तैयार हो गया है। आटा भी 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। चलिए अब हम इसकी लोई बनाकर रोटियां बेल लेते हैं। आटे की लोई को नॉर्मल साइज की जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। सूखा आटा लगा के रोटी को थोड़ा बड़ा बेल लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें फिलिंग भरें तो वो फिलिंग बाहर ना निकले। इसी तरह से हमें जितने काठी रोल बनाने हैं उतनी रोटियां हम बेलकर इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। एक गरम तवे या पैन के ऊपर जो हमने रोटी बनाई है उसको डालेंगे। रोटी जब एक तरफ से सिक जाएगी तो उसको टर्न करके दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लेंगे।
रोटी सेकने के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे, क्योंकि अगर लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे तो रोटी कड़क हो जाएगी और रोल बनाने में दिक्कत आएगी। हल्का गोल्डन ब्राउन जब दोनों तरफ से सिक जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी रोटियां या पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। काठी रोल की सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इसको एक कपड़े में या जिप पाउच में कवर करके रख देंगे, जिससे कि रोटियों की सॉफ्टनेस बनी रहे। चलिए सब चीजों को अब पहले अरेंज करते हैं। सबसे पहले रोटी के ऊपर हम ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेंगे। ग्रीन चटनी का वीडियो चैनल पर है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। ग्रीन चटनी लगा ली है। अब जो हमने पनीर बनाया है, पनीर को इसके ऊपर एक बीच में स्प्रेड करते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है। थोड़ा सा इसको चाकू की मदद से हल्का हल्का काट लेंगे चंक्स को, पनीर के चंक्स को। अब जो हमने प्याज का सैलेड बनाया था वो सैलेड इसके ऊपर डालेंगे। हरी मिर्च के थोड़े से टुकड़े डाल देंगे। फिर जो चटनी है, हरी चटनी है, वो थोड़ी सी और इसके ऊपर डालेंगे। थोड़े से यहाँ पर हमने गाजर के जूलियंस भी डाल दिए हैं। अब हम इसको रोल कर लेंगे हाथ से, थोड़ा चीज़ों को पुश करते हुए अच्छी तरह से इसको रोल कर लेंगे। एक टिश्यू पेपर पे इसको रख के, टिश्यू पेपर पे फोल्ड करके इसको, टिश्यू पेपर को नीचे से अंदर की तरफ मोड़ देंगे और ये पनीर काठी रोल बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने हरी चटनी के साथ ही सर्व किया है। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हेल्दी और इजी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।